आपको बता दें कि मामला बर्रा थाना क्षेत्र का है, जहां मुस्लिम युवक ने मानसिक विक्षिप्त दलित नाबालिग को डरा धमकाकर हवस का शिकार बनाया था और नाबालिग का अश्लील वीडियो भी बना लिया, जिसके बाद युवक नाबालिग को ब्लैकमेल करके उसका शोषण करता रहा, जिसके बाद नाबालिग के साथ हो रही दरिद्रगी की जानकारी ग्रामीणों के द्वारा नाबालिग के भाई को पता चली। गांव का रहने वाला रिहान उसकी बहन का अश्लील वीडियो बना लिया है, जिसके बाद पीड़ित दलित परिवार ने पुलिस को मामले की जानकारी दी, जिस पर पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं नाबालिग का मेडिकल कराने पर पता चला कि नाबालिग गर्भवती भी है, जिसके बाद मामला जैसे ही मीडिया में आया तो शनिवार को ACST आयोग के सदस्य पीड़ित जिसके बाद जैसे ही मामला मीडिया में आया तो शनिवार को ACST आयोग के सदस्य का एक दल पीड़ित परिवार के घर मुलाकात करने पहुंचा और परिवार को हर संभव की मदद के साथ कार्यवाही का भी भरोसा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट IPN। बलात्कार किया गया तो पीड़ित परिवार से हम लोग मिलने गए, वहाँ पर हमारा पूरी प्रशासन भी था और पीड़ित परिवार में जो अखबारों में छपी उसी बात को उन्होंने दोहराया कि इसी तरह की घटना है। मैं पीड़ित परिवार से मैंने पूछा कि क्या पूरी प्रशासन आपकी सुरक्षा कर रही है, मैं हाथ बिल्कुल कर रही है, हमने क्या उनकी कार्रवाई से संतुष्ट हैं, हम बिल्कुल संतुष्ट हैं। हमने उनसे कहा कि आपको किसी प्रकार के डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, शासन आपके साथ है और पुलिस प्रशासन आपके साथ है। रही आर्थिक मदद के लिए तो पुलिस विभाग को हमने इस बारे में निर्देश दिया है कि उनकी शायद जो क्रमबद्ध तरीके से जो होता हमारे FIR दर्ज होती है, 154 रिपोर्ट लगती है, फाइनल रिपोर्ट लगती है, इस तरह कई पार्ट में उसको दिया जाता है। किस किस तरीके उनकी मदद हो रही है? आर्थिक मदद समाज कल्याण विभाग द्वारा, हमारे विभाग द्वारा मदद होती है तो वो मदद की जाएगी। पुलिस प्रशासन की इसमें पूरी प्रक्रिया होती है, वो पूर्ण होगी तो उसको उनको आर्थिक मदद देते हैं। कितनी मदद मिलेगी? अरे जो हमारे 5 लाख के लगभग उसकी है। अगर पीड़ित परिवार को जो है और धमकाया जा रहा है, देखिए अभी हमने पहले कहा कि पीड़ित परिवार को हमने बहुत ही सहज शब्दों में कहा कि आपको किसी प्रकार से घबराने की, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई उनको हमने कहा पुलिस प्रशासन से कि आप 24/7 से और 107 से कि आप अपना नंबर दे दीजिए, अब कोई कष्ट हो, कोई बात हो तो फौरन आप फोन करें और तत्काल आपको सुरक्षा प्रदान की जाए। वैसे वहाँ पर सुरक्षा लगा दी गई है, वैसे वहाँ पर पूरी प्रशासन की सुरक्षा है और अगर कोई भी इस तरह की कार्रवाई करेगा, दरगाने धमकाने काम करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है और आगे भी कार्रवाई होगी।